गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 3 बेसिक एक्टिविटीज के इसमें पढ़ रहे थे सेशन 4, जिसमें था कि बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में लोग पढ़ रहे थे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उनमें फाइल्स क्या होती हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, वो सब हमने देखा था। ठीक है, हमने क्रिएटिंग फोल्डर्स के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे किसी फोल्डर या किसी फाइल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं फाइंडिंग फाइल्स के बारे में कि हम किसी फाइल को या फोल्डर को कैसे फाइंड करेंगे, सर्च कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे। उसी में वाइल्ड कैट्स भी आते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे बताया भी हूँ। ठीक है, फिर किसी फाइल या फोल्डर को ओपन कैसे कर सकते हैं, व्यू कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे। उसके बाद रीनेमिंग करना जानेंगे। ठीक है, उसके बाद मूविंग और कॉपिंग करना जानेंगे, कैसे किसी फाइल को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्लिपबोर्ड क्या होता है ये उसी में आएगा। ठीक है, डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो डिलीट के बाद रिसाइकल बिन का भी उसी में आता है ऑप्शन, उसके बारे में बताया जाएगा, और शटडाउन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी फाइल या फोल्डर को सर्च कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें उसका पूरा नाम सही से याद ना हो। हमने मान लीजिए साइंस प्रोजेक्ट लिख के छोड़ दिया, फिर हमें याद नहीं कि साइंस प्रोजेक्ट था या साइंस प्रोजेक्ट्स था या साइंस मतलब पूरा लिखा था कि साइंस आधा लिखा था, याद नहीं है हम लोग। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, फाइल को या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सर्च करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आपको दो जगह सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ मिलेगा स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन क्लिक दबाएंगे। ठीक है, तो आपको जो मेन्यू ओपन होता है स्टार्ट मेन्यू, वहाँ पे शट डाउन के बगल में ही आप यहाँ पे पेज नंबर 110 पे जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं, पहले फिगर फर्स्ट फिगर में ही कि वहाँ पे शट डाउन है। शट डाउन के बगल आपको सर्च बार दिया हुआ है, आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ लिख के उसको एंटर करेंगे तो वो सर्च होने लगेगा, वो दिखने लगेगा, आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा जो कि नेक्स्ट फिगर में दिया गया है, जो बी है उसमें 4.8 के बी में, कि आपको जो भी सर्च किया था उसका सर्च रिजल्ट पूरा दिखाने लगेगा। या तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज अगर दूसरा भी तरीका है कि आप मान लीजिए आपको याद है कि नहीं स्कूल के ही फोल्डर में कहीं ना कहीं होगा, आपको बाकी जगह फोल्डर में सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूल के फोल्डर में जाइए। ठीक है, और वहाँ पे आपको मतलब कंप्यूटर फोल्डर के अंदर आपको ऊपर में राइट साइड में राइट कॉर्नर में आपको ऊपर में सर्च बॉक्स मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे तो उसके अंदर ही सिर्फ सर्च होगा, यानी जो भी फोल्डर्स होंगे वहाँ पे सिर्फ उनके अंदर। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, आप पूरे कंप्यूटर में सर्च करेंगे, और बेटर है कि आपको जो पता है कि आप थोड़े समय सर्च करेंगे तो फायदा था ना भाई, अगर थोड़े समय सर्च करते हैं तो जल्दी सर्च हो जाएगा, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं, ये चीज़ है। बट आपको अगर बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप स्टार्ट मेन्यू पे ही वहाँ पे सर्च करेंगे। अभी हम लोग इसमें एक आता है वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, ये दो कैरेक्टर होते हैं जिनको कि कीबोर्ड पे इनको कहा जाता है वाइल्ड कार्ड्स, जैसे कि ये क्या है और ये एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो इन दोनों का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं सर्च करने में वो देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन मार्क am.docx लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इस तरह से सर्च किया है, तो अभी क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सिर्फ एक कैरेक्टर, मतलब एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर, दो क्वेश्चन मार्क दो कैरेक्टर, तीन क्वेश्चन मार्क तीन कैरेक्टर। अभी समझ लीजिए दो क्वेश्चन मार्क है तो एक नहीं हो सकता, और दो है तो तीन नहीं हो सकता, दो है तो दो होने चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मार्क am, तो यहाँ पे राम हो सकता है, काम भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, दाम मतलब समथिंग जो भी, बाकी am फिक्स है और यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर आ सकता है कोई भी। ठीक है, कोई भी का मतलब जो भी अलाउड है आपको उसमें से कोई भी आप एक कैरेक्टर ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर आपका सर्च कर सकता है। तो अगर राम फाइल है, काम फाइल है, नाम फाइल है, आपको ये दिखाई देगा। अगर भाई आपको परम वाली फाइल है तो इसमें नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि परम में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5, टोटल 5 हो गया ना, यहाँ पे कितना 3 कैरेक्टर्स तक ही दिखा सकता है, 3 कैरेक्टर्स ऊपर ये नहीं दिखा सकता, तो आपको 5 कैरेक्टर का नहीं दिखाएगा। अब एक चीज यहाँ पे स्टार्ट पे आते हैं, यानी एस्ट्रिक पे आते हैं, तो एस्ट्रिक पे क्या है, एस्ट्रिक पे कितना भी हो सकता है, बस एस्ट्रिक के बाद am है, am होना चाहिए, उसके पहले आप कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर am के पहले कुछ ना भी हो तो भी, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी और यहाँ पे 1, मतलब जितना भी रहेगा उतना। तो डॉट एक्स था तो परम भी सर्च करेगा क्योंकि am है। ठीक है, उसके आगे जो भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे राम भी सर्च कर लेगा क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, मतलब कुछ भी है तो अलाउ है, am है ना, और सिर्फ am भी सर्च कर लेगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो भी, मतलब ये चलेगा, कुछ होना जरूरी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम खाली भी रहेगा तो भी ये सर्च कर सकते हैं।
तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे जो वाइन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। जो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है वो सिर्फ एक कैरेक्टर की, मतलब जितना क्वेश्चन मार्क रहेगा उतना कैरेक्टर, और जबकि स्ट्रिक क्या होता है वो एक बार यूज हो गया और उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 0 कुछ भी हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे यहाँ कुछ भी लिख देते हैं XYZPOR AM.TOPTAX तो ये भी इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा क्या है स्ट्रिंग आ गया है और AM डॉट है, जैसे यहाँ पे जो मेन बोल रहा था वो चीज़ है, ये पूरा सर्च करेगी आपको सर्च रिजल्ट में ये चीज़ दिखाएगा। अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ओपन और व्यू करने के लिए किसी फाइल को या फोल्डर को, तो सिंपल सा तरीका है, आपको अगर किसी फाइल या फोल्डर में जाना है वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। आप जब डबल क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल होगी जो भी फोल्डर होगा वो खुल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप अपने पेज नंबर 111 में देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपको पहले लोकल डिस्क, यहाँ डाटा डी में गया है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे फोल्डर्स में गए, फोल्डर्स में जो भी फोल्डर खुलना चाहेंगे ठीक है उस पर डबल क्लिक करेंगे सारा फोल्डर खुल जाएगा, उस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी। अब अगर किसी फाइल को खोलना है तो आपको क्या करना है, उस पर डबल क्लिक करना है, वो खोल जो भी फाइल होगी, जैसे .x फाइल होगी तो एम एस वर्ड में खुल जाएगी, पावर पॉइंट की फाइल होगी तो पावर पॉइंट में खुल जाएगी, पेंट की फाइल होगी तो पेंट में खुल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिनेमिंग करने के लिए। ठीक है, तो रिनेमिंग, अभी देखिए आपके पास रिनेमिंग का दो ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आप जिस फाइल या फोल्डर को रिनेम करना चाहते हैं ठीक है आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपको सबसे आसान ऑप्शन जो कि बुक में फिलहाल नहीं दिया हुआ है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपको उस पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, जो भी आपने वाली फाइल या फोल्डर सेलेक्ट कर लिया उस पर राइट क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप फिर अपना जो भी फाइल का नया नाम है वो एंटर कीजिए और तब एंटर कर दीजिए, तो आपके फाइल का जो नाम होगा वो चेंज हो जाएगा, जो आपने लिखा है बाद में वो नाम हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आपके बुक के अकॉर्डिंग जो तरीका बताया गया है ठीक है ये भी सही है, मतलब इसे दिक्कत नहीं है, बस ये था लेंदी पड़ेगा। तो आपको फाइल को सिलेक्ट करना है ठीक है, इसके बाद आपको ऑर्गेनाइज बटन पर जाना है, वहाँ पे मेन्यू बार पूरा है, टूल बार है ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइज है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पेज नंबर 112 में ठीक है, जो फिगर 4.10 है यानी फिगर 4.10 तो उसमें आपको यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है ठीक है ऑर्गेनाइज मेन्यू बार में, तो ऑर्गेनाइज पे आपको जाना है, ऑर्गेनाइज पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीनेम का, वहाँ से वो काम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो राइट क्लिक करके ऑप्शन से सीधा चले जाएं या फिर आप ऑर्गेनाइज जाके वहाँ से भी रिनेम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मूविंग या कॉपिंग ठीक है, कि कैसे हम फाइल्स को मूव कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास तीन तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आसान तरीका है कि आप जो भी फाइल या फोल्डर है आप उस पर जाइए ठीक है, उस पर सिलेक्ट कीजिए उसको और राइट क्लिक कीजिए, तो आपको वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, वहीं पे एक ऑप्शन आएगा कट का ठीक है, वहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाता है मेनली, कट कॉपी पेस्ट, तो पेस्ट का ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि आप कट कॉपी कुछ किए ही नहीं है, तो आप या तो कट कर लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए, आपको मूव करना है तो आप कट करेंगे, आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी करेंगे ठीक है। इसके बाद आपको जहाँ पे उस फाइल को रखना है ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास फिर से ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे ठीक है, तो आपका अगर आपने कॉपी किया होगा तो कॉपी हो जाएगा, कट किया होगा तो मूव हो जाएगा ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि आप फिर से यहाँ पे ऑर्गेनाइज बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिर से फोल्डर को जो कि अपना फाइल या फोल्डर आपको सेलेक्ट कीजिए, ऑर्गेनाइज बटन पर जाइए, वहाँ पर भी आपको कट कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से कट कीजिए या कॉपी कीजिए, फिर आप जाइए आपको जहाँ पे फोल्डर को रखना है वहाँ पे ऑर्गेनाइज बटन पर जाइए फिर से और वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए ठीक है। तीसरा तरीका आपको जो बता रहा हूँ वो शॉर्टकट कीज़ का है, वो भी बहुत फास्ट है, सबसे फास्ट तरीका है वो, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी फाइल या फोल्डर है आपको उस पर जाना है, सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको अगर आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C, आपको अगर मूव करना है कट करना है तो Ctrl+X ठीक है, आप ये कोई भी एक यूज करेंगे, इसके बाद आपको जहाँ भी उस फाइल को रखना है वहाँ पर जाएंगे और अगर आपको उसको पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V कर देंगे, आपको वो फाइल जो होगा पेस्ट हो जाएगा, वो वहाँ पर चला जाएगा। अब ये तो हो गया कि आपका मूविंग और कॉपी कैसे कर सकते हैं सारा तरीके के बारे में, अभी मूविंग और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है हम लोग वो देख लेते हैं ठीक है, या आपको बुक में नहीं दिया बट फिर भी जान लीजिए कि क्या है कि अगर आप फाइल को कॉपी करते हैं तो फाइल जिस मान लीजिए फोल्डर ए में था, फोल्डर बी में आपने कॉपी किया तो फोल्डर ए में भी रहेगा फोल्डर बी में भी रहेगा, बट अगर आप मूव करते हैं फोल्डर ए से फोल्डर बी में तो इसका मतलब ये है कि फोल्डर ए से हट जाएगा, वो फोल्डर ए में नहीं रहेगा, फोल्डर बी में चला जाएगा ठीक है, तो
सिंपल सा नॉर्मल सा बात क्या है कि अगर आप मूव करते हैं तो सोर्स से हट जाएगा, डेस्टिनेशन जहाँ पर है उस वहाँ पे चला जाएगा, जबकि आप कॉपी करते हैं तो आपके सोर्स पे भी रहेगा और डेस्टिनेशन पे भी रहेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्लिपबोर्ड की, ठीक है। तो मूविंग और जो कॉपिंग होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्लिपबोर्ड के थ्रू होता है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है कि उसमें थोड़ी सी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो भी चीज़ को कॉपी करते हैं या मूव करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को पहले कंप्यूटर जो होता है वो क्लिपबोर्ड में सेव कर लेता है। इसके बाद जब आप उसको कहीं पेस्ट करते हैं तो वहाँ से क्लिपबोर्ड से ही उसको पेस्ट करता है। तो अगर आप चाहें मान लीजिए किसी चीज़ को 10 बार पेस्ट करना, मतलब जैसे आपने कॉपी किया है तो मूव तो आप एक ही बार कर सकते हैं, आप चारों मूव नहीं कर सकते। तो मूव में आप एक ही बार करेंगे, दूसरा बार आप करेंगे तो वो इधर दिखाने लगेगा। लेकिन जब आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी आप किसी भी चीज़ को लगातार 5 बार 10 बार और जितनी बार करना है वो कर सकते हैं। तो यही क्लिपबोर्ड में वो सेव हो जाता है। तो आप जब एक बार कॉपी किए वहाँ कॉपी हो गया, फिर वो क्लिपबोर्ड में है, आपने फिर से कॉपी उसको पेस्ट किया फिर से वो हो जाएगा, फिर से पेस्ट किया फिर से पेस्ट हो जाएगा। तो होता कहाँ से, ये क्लिपबोर्ड से होता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि कॉपी और जो मूव होता है वो क्लिपबोर्ड के थ्रू होता है। अब लोग इसके बाद बात करते हैं डिलीटिंग की, ठीक है। तो आपको फिर आप है आपके पास 2-3 ऑप्शन है आपको क्या करना है। अगर आपको डिलीट करना है किसी फाइल को या फोल्डर को तो आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास 100 फाइलें 1000 फाइलें, आप सबको डिलीट नहीं करना चाहेंगे, आपको जिसको डिलीट करना है आप उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइज बटन पर जाके आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप राइट बटन दबाएंगे माउस का, ठीक है। तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिलीट का भी ऑप्शन बटन आपके कीबोर्ड पर है, वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तब तक बहुत सारे ऑप्शन है, आप जिस भी तरीके को चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिसाइकल बिन की, ठीक है, कि रिसाइकल बिन में कैसे काम होता है, क्या होता है वो, और डिलीट के बाद उसमें क्या होता है। तो दरअसल क्या होता है कि आप जब कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो हमेशा पहले क्या है रिसाइकल बिन में जाता है, ठीक है। तो इससे आपको ये फायदा होता है कि आप अगर मान लीजिए कोई फाइल डिलीट कर रहा हो और गलती से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो भी क्या वो आपके पास रिसाइकल बिन में है, आप चाहें तो वहाँ से वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रिसाइकल बिन में आपके यहाँ जो कंप्यूटर होगा मतलब जो डेस्कटॉप होगा उस पर आइकन बना होगा एक रिसाइकल बिन का, कचरे का डिब्बा टाइप का होगा। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा रिसाइकल बिन होगा वो खुल जाएगा। वहाँ पे आपने जो भी फाइल डिलीट की होगी वो सारा कुछ दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको सारी फाइलें वापस लानी है तो आप रिस्टोर ऑल पे जाएंगे, सारा फाइल वापस हो जाएगा। अगर आपको 1-2 फाइल लेके जाना है तो आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे रिस्टोर दिस आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो रिस्टोर हो जाएगा आपके मतलब फिर से कंप्यूटर में, वहाँ जहाँ से आपने डिलीट किया था वहीं पे चला जाएगा वो, ठीक है। तो आप इस तरह से जो भी आपका डाटा अगर गलती से डिलीट हो गया, मिस्टेक्स हो गया होगा तो आप उसको वापस पा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है रिसाइकल बिन का। और अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मैंने सही से डिलीट किया है तो आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दीजिए, खाली कर दीजिए, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप उसको दोबारा नहीं ले सकते, दोबारा उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो ये इसलिए है कि मतलब आपके रिसाइकल बिन में वो रखा हुआ है तो मेमोरी आपकी जगह भर रही है। तो अगर आप उसको स्पेस बचाना चाहते हैं अपना तो रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर लीजिए। अब इस बार हम लोग बात करते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है, शटिंग डाउन का, ठीक है। तो यदि आपको Alt+F4 ये भी एक ऑप्शन है, आप सीधा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्टकट की है, ठीक है। तो अगर आप Alt+F4 दबाते हैं तो आपको एक शटडाउन का मेन्यू आ जाता है, आप वहाँ पे शटडाउन कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। और आपको अगर नॉर्मल तरीके से करना है तो आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू आएगा, वहीं पे सर्च बार के बगल में शटडाउन का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आप शटडाउन पे क्लिक करते हो तो आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। उसके बगल में एक एरो बना होता है, उस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा, स्विच यूजर का, अपना यूजर का चेंज कर सकते हैं, लॉग ऑफ का, ठीक है, लॉग ऑफ कर सकते हैं, अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं, ठीक है, लॉक का, आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको फिर से आना पड़े तो पासवर्ड के साथ आना पड़ेगा, रिस्टार्ट कर सकते हैं और स्लिप कर सकते हैं, स्लिप मोड में जा सकते हैं। तो आपके ऊपर आप जो भी ऑप्शन चाहें वो चूज कर सकते हैं। भैया अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको हाइबरनेट का, जो कि स्लिप के तरह ही है। तो इस तरह से जो आपका ये चैप्टर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट टर्म पे इसका जो भी सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस पे जो भी चेक पॉइंट है वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग हो सकता है कि शायद स्कूल में ही पढ़े तो हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, वर्किंग विथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये लिनक्स के बारे में तो आप इसको पहले से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए अभी बिल्कुल नया रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।